हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी आपको दिख रहा है मेरे पास यहाँ टेबल में बस एक पार्सल मुझे रिसीव हुआ है, और इतना बड़ा पैकेट का पार्सल का सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये पड़ा है कैश ऑन डिलीवरी पे। डिलीवरी लेकर के आया, शॉपी का प्रोडक्ट है। और आपको लेटेस्ट वीडियो से पता चल ही चुका होगा कि शॉपी का ₹1, ₹9 एंड ₹49 वाला डील्स ओवर हो चुका है। ₹1 वाले के बारे में अभी तक कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो वेडनेसडे को ही पता चलेगा, क्योंकि वेडनेसडे को ही सेल आता था 1 रुपये वाला। तो इसके अंदर क्या है आपको पता होगा ही, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 बार इसे अनबॉक्स अनपैक कर लिया है मेरे चैनल पे। तो ये सेलर ऑलमोस्ट इसे कैंसिल ही कर देता क्योंकि सिप ही नहीं कर रहा था, बट मैंने वो अपने ट्रिक्स बताया ना ऑर्डर प्रिवेंशन वाला, कि कैसे आप ऑर्डर को कैंसिल होने से रोक सकते हो, उस ट्रिक्स को यूज करके मेरा प्रोडक्ट मेरे पास आ गया। और दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ, ये रहा, आप देख लो, ये आया है सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये में। इससे पहले मैंने सेम प्रोडक्ट ऑर्डर किया था ₹57 में। ये आपका फ्रिज के अंदर रहता है ट्रे में रखने के लिए, जो आपका बीच के ट्रेज रहते हैं 2-3 जितना भी रहता है, और यहाँ पे रहता है टॉप के लिए कवर। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि किस टाइप की क्वालिटी है। तो ये रहा, आप देख सकते हो, ये दोनों है, जो ये दोनों हैंडल पे लगते हैं, हैंडल कवर है ये, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है, मजबूत रहते हैं। और यही चीज़ मैंने पहले फ्लिपकार्ट से खरीदा था, जब शॉपी नहीं था तो मुझे 250 के अराउंड पड़ा था। एंड ये रहा गाइस, देखो कलर कॉम्बिनेशन, क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे तो। एंड साइड साइड में पॉकेट्स भी मिलते हैं आपको, 3 इधर 3 इधर, तो आपके मतलब कुछ भी चीज़ें आप रख सकते हो एज ऑर्गेनाइजर की तरह। मतलब प्लास्टिक रख लिए आपने, नाइफ्स रख लिए, कंघी रख लिया, कुछ भी रख लिया यहाँ पे। और फ्रिज के ऊपर अक्सर हम लोग फोन चार्ज करते हैं तो साइड में डाल दो। काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो रखना आप रख सकते हो। और ये टॉप में कवर हो जाएगा, इसके साथ 2 हैंडल मिलते हैं। अगर आपका डबल डोर फ्रिज है तो ऊपर नीचे आप इसे लगा सकते हो राउंड करके इस तरीके से, और ये आपका अंदर ट्रे में लग जाता है। तो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो को मैं बाकी और भी कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं तो उनको मर्ज कर दूंगा, क्योंकि मुझे अभी मैसेज आया है कि मुझे आज 2 पार्सल रिसीव होने, और क्या रहेगा उनमें वो आपको वीडियो के आगे पता चल जाएगा। ये प्रोडक्ट्स मैंने पहले ऑर्डर किया था, वो मुझे धीरे धीरे डिलीवर हो रहा है, तभी मैं आपके लिए वीडियो ला पा रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है 9 और 49 की डील्स अभी ओवर हो चुके हैं, तो दोनों के अंदर काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं। और मैं आपको प्राइस बताता हूँ, ये पड़ा है कैश ऑन डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ 9 रुपए का पड़ा है। और चलिए मैं आपको काट के दिखाता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी एक बार अनबॉक्स किया था, इसके बड़े वाले पैकेट मैंने मंगाए थे, 24 रुपए में मुझे मिल गया था 180 पीसेस का। बट इस बार मैं ले पाया था 9 रुपीज में, 60 पीसेस है, मतलब एक रोल में 30 पीस रहता है। और क्या है ये, यह एक्चुअली एक प्लास्टिक टाइप से रहता है, गार्बेज बैग है, जो आप किचन में अपने रूम पे कहीं पे भी यूज कर सकते हो कचड़ा वचड़ा फेंकने के लिए। इससे आपका ज्यादा मैसी भी नहीं होता है, ज्यादा महक भी नहीं आता है, आराम से आप कचड़ा को उठा करके इसमें डाल करके फेंक सकते हो, काफी बड़ा साइज का रहता है। आ जाते हैं दूसरे प्रोडक्ट पे, इसकी प्राइस की बात करो तो ये पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज, कैश ऑन डिलीवरी में आया है। और इसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट है, ये 99 वाले डील्स जब चल रहे थे उस टाइम, अभी भी चल रहा है 99 वाला डील, तब मैंने इसे खरीदा था, 50% का वाउचर था उस टाइम मेरे पास। AK-16 पबजी मोबाइल कंट्रोलर, एक्चुअली ये गेम खेलने के लिए है, आपके फोन को आप इसमें इंसर्ट करके एक रिमोट की तरह बना सकते हो। तो देख सकते हो इस तरीके के पैकेजिंग में आया है। चलो देखते हैं अंदर के अंदर कैसा सही सलामत आया है या नहीं आया है। मेरा मैं सोच रहा हूँ कि एक जल्द ही गेमिंग चैनल ओपन करने वाला हूँ, तो उसमें मैं आप लोगों को काफी सारे गेम्स खेल के भी दिखाने वाला हूँ और गेमिंग करूंगा। तो ये मैंने सोचा कि चलो ट्रिगर मंगा लेता हूँ, कहीं से भी टूटा वूटा नहीं आया हुआ है, देख सकते हो, और ट्रिगर काफी अच्छा लग रहा है। एक जॉयस्टिक रहता है, मैंने बाकी रिव्यूज में देखा है, बट इसमें है नहीं, शायद वो इसके अपर मॉडल AK-17 में रहता है, ये AK-16 है। तो इसमें बस यही आपको कंट्रोलर मिल जाएगा, प्लास्टिक का बना हुआ है, और इस तरीके से ये एक्सपेंड करता है, इसमें आप अपने फोन को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, काफी लंबा फोन भी आप इसमें लगा सकते हो। इसके प्लेसमेंट को कैसे आपको एडजस्ट करना है वो मैं आपको दिखा दूंगा इसके इन डेप्थ रिव्यू में। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो रबर का टिप है, बट ये मुझे लगता है इनको एक्स्ट्रा देना चाहिए था, क्योंकि बाकी रिव्यूज में मैंने देखा है कि एक्स्ट्रा टिप्स मिल जाता है, क्योंकि इसका क्या भरोसा है, कभी भी गिर सकता है। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे स्कोप के लिए यहाँ पे फायरिंग बटन को अपना एडजस्ट कर सकते हो कंट्रोलर्स में जा करके। तो मैं आपको बस एक फोन लगा करके दिखा देता हूँ कि फोन लगने के बाद ये कंट्रोलर कैसा बन जाएगा, और काफी हैंडी सा है, काफी मजा आने वाला है खेलने में। सो गाइज, ये रहा मोबाइल फोन, आप देख सकते हो मैं एक फोन लेकर के आ चुका हूँ, और इसको आपको इंसर्ट करना है, यहाँ पे साइड में आप इंसर्ट करो और दूसरे साइड को ऐसे खींच करके आप इसके अंदर अपना फोन एडजस्ट कर सकते हो, और ये काफी अच्छा सा एक कंट्रोलर बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने सेटिंग्स में जाकर के ट्रिगर जो भी आपको इन बटन्स को असाइन करना है आप जाकर के वहां सेट कर सकते हो, और इस तरीके से कुछ हमारा कंट्रोलर बन जाएगा। और इस तरीके के रिमोट वाली फीलिंग में खेलने का ना मजा ही कुछ और है। इसका इन डेप्थ रिव्यू आपको मिल जाएगा BGMI गेम के साथ। कैसा लगा आपको ये दोनों प्रोडक्ट्स मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।